ओके सो हाय एवरीवन आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन फ्रॉम थिक लेंस हमें एक मोटा लेंस गिवन है और उसकी फोकल लेंथ हमें निकालना है सो डायग्राम में जल्दी से समझ लेते हैं इसकी यहाँ पे थिकनेस हमें टी गिवन है ए बी यहाँ से एक रे आ रही है <clears throat> पहले सरफेस पे इसका रिफ्रेक्शन होता है और ये किस डायरेक्शन में निकल जाती है बीसी डायरेक्शन में निकल जाती है सी पॉइंट पे इसका दोबारा रिफ्रेक्शन होता है और ये कहां पे जाके मिलती है एफ प्राइम पे ठीक है अब यहाँ पर हमें देखना है कि इधर कियर हमारे पास सपोज मान लीजिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू वन है इधर म्यू वन है और इसका म्यू टू हो जाएगा ओके अगर बी पॉइंट पे इसका रिफ्रेक्शन नहीं होता और आप इसको आगे की तरफ बढ़ाते तो ये कहां पे मिलता पी पॉइंट पे मिलता ओके okay? और हमारे पास और क्या है हाँ बी सी रे जो रे है अगर मान लीजिए सी पॉइंट पे रिफ्कशन ना होता सी पॉइंट पे हमारे पास रिफ्लेक्शन नहीं होता तो ये आगे की तरफ जाने पर कहाँ पे कट करती डी पॉइंट पे कट करती तो so, ये कुछ नोटेशन है इसके अब हम चलते हैं यहाँ पे हमें थिक लेंस में क्या होता है कि क्लियर कट हमें पर, हमारे पास है कि दो बार रिफ्लेक्शन हो रहा है तो पहले हम फर्स्ट वाले सर्फेस से रिफ्कशन कंसिडर करते हैं हमने प्रीवियस लेक्चर में फॉर्मूला डिराइव किया था हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है म्यूटू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर ये हमारे पास ऑब्जेक्ट और इमेज का जो रिलेशन होता है वो होता है तो सर फर्स्ट सरफेस पे देखते हैं तो आपके पास म्यू टू की जगह म्यू टू ही आएगा ओके और म्यू वन की जगह आपके पास म्यू वन ही आएगा लेकिन आप जब फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्शन कंसिडर कर रहे हो तो आपको सेकेंड सरफेस को बिल्कुल इग्नोर करना है ओके सेकंड सरफेस हमें कंसीडर ही नहीं करना है तो मान लीजिए वहां सेकंड सरफेस था ही नहीं अगर नहीं होता तो आपके पास ये इस तरह से रे आती और ये सीधा कहाँ पे जाके कट करती डी पॉइंट पे ये देखो डी पॉइंट पे अगर दूसरा सरफेस ना होता तो ये डी पॉइंट पे कट करती तो यहाँ पे हमारे पास इमेज की जो डिस्टेंस क्या होती है ऑब्जेक्ट तो हमारा इन्फिनिटी पे है तभी तो रे पेरल आ रही है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारे पास इमेज की डिस्टेंस होती है और ये पॉइंट हमें डायग्राम एम की वन है तो हमारे पास वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी एमडी और यू की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी इन्फिनिटी तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा म्यू टू बाई एम डी माइनस म्यू वन अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन सपोज फर्स्ट केस की हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है आर वन मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास है एयर अगर ये हमारे पास एयर होता तो हम इसको कंसिडर क्या करते ए, वन हमारे पास इस साइड में एयर है राइट सो तो यहाँ पर भी हमारे पास एयर है सो तो म्यू वन की जगह हम क्या पुट कर लेते हैं वन पुट कर लेते हैं एयर के लिए म्यू की वैल्यू वन होती है तो यहाँ से हमें मिल जाएगा म्यू टू अपॉन एम डी माइनस जीरो हो जाएगा ये वन अपॉन एनफी जीरो हो जाता है और ये हमें मिलेगा म्यू टू माइनस वन अपॉन आर वन ओके okay. यहाँ से अगर अपन एम की वैल्यू निकाले जो कि आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा निकालना सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से म्यू टू आर वन अपॉइंट कितना हो जाएगा हमारे पास एंड दिस इज इक्वेशन नंबर ये हमारे एम डी आ जाएगा अब डायग्राम से आप ध्यान से देखिए अगर मैं आपसे कहूँ की एम प्राइम डी की वैल्यू क्या है एम प्राइम डी मैं आपको हाईलाइटर से दिखा देती हूँ ये देखिए आपका एम प्राइम यहाँ है ओके okay, और डी आपका यहाँ है तो एम प्राइम डी की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं इस एम डी डिस्टेंस में से अगर हम ये प्राइम M M को माइनस कर दें ओके okay? ये आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि प्राइम प्राइम को हम लिख सकते हैं ओके M M', okay? और वी कैन राइट एम डी माइनस एम एम प्राइम हमारे पास थिकनेस गिवन है लेंस की थिकनेस है मोटाई तो टी हो जाएगा राइट right? इस पूरी इक्वेशन में मतलब यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे डिवाइड by एम डी ये क्यों कर रहे हैं थोड़ी देर में पता चलेगा तो हमें मिल जाएगा एम प्राइम डी अपॉन एम डीवल टू वन माइनस टी अपन एम डी ये हमें मिल जाएगा यहाँ से करेक्ट अब हमारे पास MD की वैल्यू देखो ये इक्वेशन में हमें एम डी चाहिए इक्वेशन वन से उठा के ये MD मिला हुआ है आपको इक्वेशन वन में है ना ये इक्वेशन वन से एम डी उठा के आप यहाँ पर पुट कर दीजिए तो हमें क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा एम प्राइम डी अपोन एम डी इज इक्वल टू और ये हमें मिलेगा वन माइनस टी अपोन वो वैल्यू पूरी पुट कर देती हूँ मैं यहाँ पे म्यू टू आर वन अपोन म्यू टू माइनस वन करेक्ट ये हमें मिल जाएगा सो so, यहाँ से हमारे पास इक्वेशन नंबर टू इसे हम इक्वेशन नंबर टू डाल देते हैं हमारे पास ये वैल्यू बाद में काम आएगी इसलिए हम अभी नहीं कर रहे हैं ओके फर्स्ट सरफेस पे हमारा रिफ्लेक्शन हो गया अब हम चलते हैं सेकेंड सरफेस पे रिफ्क्शन हमें पता है कि जब भी हमारे पास सेकेंड सरफेस होता है और सपोज उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हम कितना ले रहे हैं आर ले रहे हैं सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा जो पहले सरफेस की इमेज बनती है पहले सरफेस की इमेज कहां पर बनी है डी पॉइंट पे बनी है इसका मतलब डी पर क्या होगा object मानना पड़ेगा आपको किसके लिए सेकेंड सरफेस के लिए तो सेकेंड सरफेस का डायग्राम अगर मैं यहाँ बनाऊ तो सेकेंड सरफेस इस तरह से गिवन होगा करेक्ट और डी पॉइंट यहाँ पे है राइट right? अब आपके पास डी पॉइंट यहाँ पे इसका मतलब जो दूसरा ऑब्जेक्ट है दूसरा ऑब्जेक्ट का मतलब बेस ये डी पॉइंट पे पहले वाले सरफेस ने इमेज बनाई थी पहले वाले सरफेस ने यहाँ पे क्या बनाई थी इस तरह से इमेज बनाई थी ये इस तरह से यहाँ पे इमेज बनाई थी तो ये इस बार आपको नया यू लेना है आपका ऑब्जेक्ट जो होगा वो पहले सरफेस ने जहां पर भी इमेज बनाई हुई होती है वो ही दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का, का काम करता है आपने इलेवन ट्वेल्थ के अंदर पढ़ा होगा सो तो इस बार नया हमारे पास ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो ये होगी और नई इमेज कहां पर बनेगी पता नहीं है फिलहाल लेकिन डायग्राम में हमने कहा लास्ट वाली जो है वो हमारी आस है प्राइम इसे हमने एफ प्राइम नाम दिया है कारण है इसका अभी बता चलेगा आपको पर अभी के लिए मान लीजिए आपके पास अब सेकंड सरफेस से रिफ्लेक्शन कंसीडर करेंगे तो मैं यहाँ पर डेटा लिख रही हूँ सेकंड सरफेस का लेट मी यूज द डिफरेंट पेन पेन सो सेकंड सरफेस के लिए हम यहां पे लिख सेकंड सरफेस के लिए आपकी ऑब्जेक्ट कहां कहा है ऑब्जेक्ट आपका डी पॉइंट पे और ऑब्जेक्ट के हो चाहे इमेज हो उसकी डिस्टेंस हमेशा कहां से ली जाती है लेंस से ली जाती है इस बार हम कौन सा कंसीडर कर रहे हैं सेकंड वाला सरफेस तो सेकंड वाले सरफेस से डिस्टेंस लेंगे सेकंड वाले सरफेस हमारा एम प्राइम है तो ऑब्जेक्ट के लिए कहां से डिस्टेंस लेंगे एम प्राइम डी तो इस बार जो नया यू हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा एम प्राइम डी और इमेज हमें पता नहीं है राइट इमेज हमें पता नहीं गए लेकिन इस बार आपके पास म्यू और म्यू वन और म्यू टू उल्टे हो जाएंगे वाई? क्योंकि इस बार आपकी इंसिडेंट रे यहां से आ रही है इस मीडियम से आ रही है इंसिडेंट और यहाँ पर जा रही है तो इस बार इंसिडेंट वाला आपका कितना होगा म्यू टू होगा और बाद में आफ्टर रिफ्रेक्शन पे जाएगा म्यू वन में तो ये सेम फॉर्मूला लगाते हैं ठीक है सेम फॉर्मूला मतलब हमारे पास फॉर्मूला आता है अय वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपन आर होता है हमें वी पता नहीं है इस बार ये हमारा क्या है एयर में जा रहा है फाइनली एयर में जा रहा है और इंसिडेंट कहा है हमारा लेंस में है तो ये उल्टा हो जाएगा तो एयर के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा वन अपॉन वी अब वी हमारे पास इमेज की डिस्टेंस इमेज आपने फाइनल इमेज कहाँ पर माननी है देखिए फाइनल इमेज आपकी है एफ प्राइम पे तो और एम प्राइम से डिस्टेंस लेनी है तो ये आपकी फाइनल इमेज डिस्टेंस हो जाएगी एम प्राइम एफ प्राइम ठीक है तो यहाँ आ जाएगा m प्राइम m प्राइम माइनस म्यू वन हमारा क्या है लेंस है ठीक है लेंस के लिए हमने कितना माना है यहाँ पे लेंस uh, का मीडियम हमने म्यू ही माना है करेक्ट सो so, वो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे म्यू uh, 2 लेंस हमारे पास कितना ले रहे हैं अपन म्यू 2 ले रहे हैं तो लेंस हमारे पास आ जाएगा म्यू 2 और u हमारे पास कितना है इस बार u हमारे पास डी uh, पॉइंट पे रखा हुआ है तो ये आपके पास हो जाएगा एम प्राइम डी करेक्ट यू कौन सा लेना पड़ेगा आपको एम प्राइम डी डी पे पहले वाले ने इमेज बनाई थी और डिस्टेंस आपको दूसरे वाले लेंस से लेनी पड़ेगी क्योंकि वो दूसरे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का, का काम कर रहा है तो ये आपके पास हो जाएगा एम प्राइम डी आई होप ये आपको समझ आ गया है इज इक्वल्स टू ये हमारे पास अगेन ब्लू टू की जगह हमें एयर रखना है तो ये आ जाएगा वन माइनस और ये आपका लेंस है

आई होप ये चीज़ हमें समझ में आ गई अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमें ये वैल्यू चाहिए सबसे पहले इसे हम इक्वेशन नंबर थ्री डाल देते हैं आई होप थ्री आएगा कि टू आएगा हाँ वन हमारे पास यहाँ आ गया टू हमारे पास यहाँ आ गया तो थ्री हमारे पास यहाँ आ जाएगा अब देखो आप एम प्राइम एफ प्राइम क्या है आपके पास थिक लेंस ये था ठीक है ये उसकी एक्सिस थी कोई भी रे अगर पैरेलल इंसिडेंट होती है किसी लेंस पे तो पूरे रिफ्रेक्शन के बाद फाइनली वो उसके फोकस से गुजरती है हमें ये बात पता है 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 और हमने इसको माना है हमने इसको इसको माना माना प्राइम प्राइम करेक्ट अगर F', तो जाहिर सी बात है कि इसका मतलब ये आपका एफ प्राइम जो है ये इस पूरे थिक लेंस का क्या होगा फोकस पॉइंट होगा फोकस होगा ये इसका ठीक है अब हम देखो दो ट्राइंगल को सिमिलर करते हैं सो so, ट्राइंगल कौन कौन से हैं आपके पास आप इस डायग्राम में देखिए बार दो ट्राइंगल आपके पास सिमिलर है और ट्राइंगल आपके पास एक तो है बी डी एम तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा बी आपके पास क्या है और डी आपके पास उसी रे को आगे की तरफ बढ़ाने पर और एम सो so, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करती हूँ सो देट हमें डायग्राम क्लियरली दिखाई दे ये सारे हटा देते हैं अब हमारा काम हो चुका है इनसे सो इस ट्राइंग डायग्राम में आप देखिए ट्राइंगल आपका बी डी एम एन ट्राइंगल सी डी एम प्राइम ये सिमिलर ट्राइंगल आपके पास वाई सिमिलर क्योंकि आपका बी पॉइंट यहाँ पे है हाईलाइटर से ही देखना पड़ेगा ये बी है ये डी है और ये एम है अगर आपके पास ये ट्राइंगल आप लेते हैं और सी डी और एम प्राइम तो सिचुएशन आपके पास कैसी बन रही है सिचुएशन आपके पास कुछ ऐसी बन रही है B, एक तो ये ट्राइंगल हो गया और यहाँ पे आपके पास है सी और यहाँ पे आपके पास है एम प्राइम सो इस तरह के ट्राइंगल हमारे पास क्या होते हैं सिमिलर होते हैं बिकॉज इन यहाँ पर हमारे पास दो एंगल सेम है एक तो ये नाइनटी नाइनटी वाला इसमें हो जाएगा और ये वाला एंगल हमारे पास सेम हो जाएंगे दो एंगल सेम होते हैं सिमिलर हो गया सिमिलर होते हैं इनका रेशो इक्वल करेंगे ठीक है डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये वाली लेंथ एच मानी है और ये वाली एच प्राइम मानी है तो ये दोनों का रेशो हो जाएगा

तो हमें रेशो मिला एच प्राइम अपॉन एच इज इक्वल टू एम प्राइम डी अपॉन एम डी करेक्ट ये हमारी आ जाती है इक्वेशन नंबर फोर इसके बाद हमारे पास क्या करना है M D upon MD हमें ऑलरेडी मिल चुका है कहां मिल चुका है आ, ये देखो इक्वेशन नंबर टू में मिला हुआ है तो हम रख देंगे बाद में अब दो और ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर हैं और वो ट्राइंगल आपके पास है पी एफ प्राइम ओ एंड सी एफ प्राइम एम प्राइम तो मैं दिखा देती हूँ आपको ट्राइंगल

सो so, एक ट्रायंगल आपका ये हो जाएगा cf prime m prime c आपका ये रहा ओके okay, f prime आपका ये रहा और m prime अगेन सेम सिचुएशन आपके पास बन रही है सो so, इस बार मैं रेड कलर से ले लेती हूँ यहां पे सिचुएशन हमारे पास इस तरह से बन रही है ठीक है यहाँ पे आपके पास है p और यहाँ पे आपके पास है ओ और यहाँ पे आपके पास है एफ प्राइम और ये आपका है सी और ये आपका है एम प्राइम अगेन ये दोनों हमारे पास इक्वल है तो वही बात हो गई ये एच प्राइम है ये एच है तो इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं तो यहाँ इक्वल आएगा किसके इसके बेस के छोटे वाले का बेस कितना है एम प्राइम एफ प्राइम और बड़े वाले का बेस कितना आपके पास ओ एफ प्राइम ठीक है सो so ये हम इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ से तो यहाँ से हमें मिलेगा एच प्राइम अपॉन एच इस ट्राइंगल को सिमिलर करने से एम प्राइम एफ प्राइम अपॉन ओ एफ प्राइम ओ एफ प्राइम को हम कंप्लीट लेंस की फोकल लेंथ बोल सकते हैं क्यों क्योंकि लेंस आपके पास ऐसा था करेक्ट और हमारे पास यहां पर क्या है इसका सेंटर पॉइंट देखिए सेंटर पॉइंट आपके पास ओ पे आ रहा है बिल्कुल लेंस का सेंटर पॉइंट आपके पास ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट आपके पास सेंटर पॉइंट तो नहीं प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं इसको अब थोड़ा आगे पढ़ेंगे इसके बारे में ओ पॉइंट आपका है अगर कोई रे यहां से आई है तो आफ्टर डिक्रेशन वो कहां पर जा रही है फोकस पे जा रही है और ये जो लेंस है थिक लेंस इससे फोकस पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम ये जो डिस्टेंस है इसी को हम क्या बोलते हैं फोकल डिस्टेंस बोलते हैं यही आपके पास क्या होती है फोकल डिस्टेंस होती है और ये हमारा जो थिक लेंस है इसकी फोकल लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट कर, दे, कर देते हैं मान लीजिए f प्राइम से और इसी f प्राइम की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है सो so, इसे आप लिख सकते हैं m प्राइम f प्राइम अपॉन f प्राइम एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4 5 फोर और फाइव का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड सेम कर सकते हैं तो राइट हैंड साइड से हमें क्या मिलेगा देखिए m प्राइम d अपॉन md किसके इक्वल आएगा आपका m प्राइम अपॉन f प्राइम अपॉन f ये मैंने फोर और फाइव को इक्वेट किया है राइट यहाँ से अगर मैं वन अपॉन एफ प्राइम की वैल्यू लू तो मुझे एम प्राइम एफ प्राइम को लेफ्ट हैंड साइड में भेजना पड़ेगा तो वन अपॉन एफ प्राइम एम प्राइम और साथ में आ जाएगा एम प्राइम डी अपॉन एम डी आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है राइट सो ये चीज हमारे पास आ चुकी है अब आप इक्वेशन थ्री देखो एक बार इक्वेशन थ्री से आपको किसकी वैल्यू मिली है 1 upon M F की value मिली है है right? और यहाँ पे आपके पास ये रहा 1 upon M'. So, हमें क्या करना से निकालेंगे इन इक्वेशन नंबर सिक्स सिक्स में पुट कर देंगे इक्वेशन e सिक्स में हम पुट कर देते हैं मतलब थ्री से निकालना है सिक्स में पुट करना है सो so, क्या मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड आपका वही रहेगा ओके okay? तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास वही रहेगा वन अपॉन एफ प्राइम इक्वेशन सिक्स लिख रही हूँ राइट हैंड साइड में आपके पास पहले इस टर्म को लिख लेती हूँ मैं और उसके बाद ब्रैकेट में आपके पास इक्वेशन थ्री आ जाएगा इक्वेशन थ्री हमारे पास ये रहा तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा म्यू टू अपॉन प्राइम डी माइनस म्यू टू माइनस ओके अब हमारे पास कोई टेंशन वाली बात नहीं है हम क्या करेंगे अब यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं सो so, अंदर मल्टीप्लाई करने से हमें फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो देखो एम प्राइम डी से एम प्राइम डी कैंसिल आउट हो जाएगा फर्स्ट टर्म से क्या मिलेगा म्यू टू अपॉन एम डी माइनस सेकेंड टर्म पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होगा उसमें कुछ कैंसिलेशन तो नहीं हो रहा है और ये, ये लीजिए अब आपको एम प्राइम की वैल्यू इक्वेशन वन में मिली है yes.

ओके okay, माइनस uh, ये इक्वेशन टू से हम वैल्यू पुट कर देते हैं सो इक्वेशन टू से हमें मिली था वन माइनस टी म्यू टू माइनस वन ये अगर मेरे वीडियो के पीछे छुप गया हो तो थोड़ा सा आप बाद में देख लीजिएगा मैं जस्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ म्यू टू आर वन ये वैल्यू थी और साथ में यहाँ पे आ जाएगा म्यू टू माइनस ये जो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की है ये किसकी की है आ, uh, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे ये 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 अब हमारे पास MD. MD हमारे पास पास देखिए देखिए. में है. है दिखा देती आपको ये equation 1 ये रहा. MD की अपॉन तो तो भी पुट कर देते हैं. Put MD from 1. तो क्या मिलेगा वन अपॉन एफ प्राइम इज इक्वल टू म्यू टू हमें वैल्यू रखनी है तो म्यू टू आर वन नीचे आ जाएगा और म्यू टू माइनस वन ऊपर चला जाएगा माइनस ठीक है Uh, यहाँ पे मुझे वन माइनस नहीं करना था ना ये ओके okay, वो वैल्यू ब्रैकेट में आएगी सॉरी ये वैल्यू पूरी पूरी हमारे पास यहाँ पे ठीक है ठीके? ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एंड उसके बाद हमें क्या मिलेगा यहाँ पे हमें मिलेगा मैं इसको पहले लिख लेती हूँ सिर्फ अब कैलकुलेशन है ये मैंने पहले लिख लिया और ये वाला टर्म बाद में लिख लेती हूँ वन माइनस टी म्यू टू माइनस वन अपॉन म्यू टू आर वन ओके okay, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है अब सिंपली हमारे पास कैलकुलेशन है कुछ टर्म्स कॉमन आ जाएंगे उनको कॉमन कर लेंगे म्यू टू से म्यू टू कैंसिल आउट हो रहा है आपके पास फर्स्ट टर्म क्या बच रहा है म्यू टू माइनस वन अपॉन आर वन ये हमारे फर्स्ट टर्म बचेगा ये अंदर मल्टीप्लाई होके हमें दो टर्म मिल जाएंगे ठीक है दो टर्म मिल जाएंगे तो इसमें हम क्या करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करने की भी आई डोंट थिंक हमें जरूरत है क्योंकि हाँ दोनों में से हमारे पास एक्चुअली म्यू टू माइनस वन कॉमन आएगा इसलिए हम क्या करते हैं इसको एज इट इज रहने देते हैं वन माइनस टी म्यू टू माइनस वन अपॉन म्यू टू आर वन इन दोनों टाइम से देखो, आपके पास म्यू टू माइनस वन कॉमन आ रहा तो है तो यहाँ हमारे पास रहेगा यहाँ आपके पास बच रहा है वन अपॉन आर टू और ये आपके पास आ रहा है टी म्यू टू माइनस वन अपोन म्यू टू आर वन ओके अब हमें क्या करना है म्यू टू माइनस वन हमारे पास आ जाएगा और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड ये हमारे पास आ जाएगा टी म्यू टू माइनस वन अपॉन म्यू टू आर वन आर टू मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया उसको दैट्स इट ये आपके पास होता है थिक लेंस की फोकल लेंथ का फॉर्मूला आप चाहो तो यहाँ से थिन लेंस के लिए कर सकते हैं थिन लेंस वो होता है जिसकी जो थिकनेस होती है वो जीरो होती है तो अगर मान लीजिए थिकनेस जीरो हो जाती है तो वो थिन लेंस हो जाएगा उस कंडीशन में आपके पास अपॉन एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी म्यू माइनस वन म्यू टू की जगह लेंस का ले लो वन बाय आर वन माइनस वन टू जो कि जनरली आप जानते भी हो बिकॉज ये टाइम आपके पास क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा सो so ये आपके पास आ जाएगा थिक लेंस के केस में थैंक यू सो मच